हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक टीडीएल फाइल प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप डे बुक पर बिना वाउचर के अंदर जाए आप उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। तो ये टीडीएल फाइल जब आप टैली के साथ ऐड कर लीजिएगा और डे बुक पर आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट डेट का डे बुक पर बटन बार पर, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आर। तो फ्रेंड्स, जिस भी एंट्रीज पर आप इस तरीके से हाईलाइट करके रखिएगा जैसे मैंने करके रखा है, तो बिना इसके अंदर गए आप इसकी डेट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं इस पर सेट डेट कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी डेट डाल दूँ, सपोज कीजिए मैं 1-2 डाल देता हूँ, जैसे कि वो मेरी एंट्री यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार मैं बैक ले लेता हूँ, 1-3 को मैंने दोनों एंट्रीज पास करके रखी हैं। आप देख सकते हैं मैं इसकी डेट, एक एंट्री की डेट मैं 1-2 कर लेता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। एक एंट्री मेरी यहाँ से हट गई, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सेलेक्ट करके कई सारी एंट्री की डेट एक साथ चेंज कर सकता था, लेकिन डेट एक ही चेंज हो पाएगी। मतलब अगर एक ही दिन सारी एंट्रीज करनी है तो सेलेक्ट करके कीजिए, अदरवाइज एक एक करके सबकी डेट चेंज कर सकते हैं बिना एंट्री के अंदर गए। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं पीरियड सेलेक्ट करता हूँ 1-2, यहाँ पर आपको ये 1-2 को एंट्री हो गई। बट आपको यहाँ पर खाली ये इफेक्टिव डेट दिखाई देगी जो जिसमें आपने एंट्रीज पास की थी एंट्री के अंदर जब आप जाइएगा तो। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि आप जीएसटी की रिपोर्ट देखने जाइएगा, GSTR 1 में, स्टेशन रिपोर्ट GSTR 1 में आप जाइएगा तो आपको अगर पीरियड सेलेक्ट कीजिएगा 1-2 तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग दिखाई देगी, वो जो एंट्री थी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये मिसमैच में है क्योंकि मेरा यहाँ GST नंबर गलत है। अगर मैं अभी सही कर दूँ तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस फाइल का यही यूज है, और कैसे इस फाइल को ऐड करना है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरी ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल, इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, सिक्योरिटी टैब में जाइए और इस पूरे नेम को ड्रैग करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे टैली में। टैली में यहाँ पर आपको सीरीज ए रिलीज 6.3.1 दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद मैनेज लोकल टीडीएल पर जाइए, यहाँ पर इससे यस कीजिए, लोड टीडीएल फाइल्स ऑन स्टार्टअप। और यहाँ पर आकर आप जहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे वहाँ पर कंट्रोल एल्ट और वी के साथ पेस्ट कर दीजिए। याद रखिए, कंट्रोल एल्ट और वी के साथ। अगर फ्रेंड्स किसी कारणवश आपसे ये फाइल काम नहीं करती है तो सिचुएशन में उसे सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे नहीं रखें फाइल को, किसी अनदर ड्राइव में रखें और जो स्पेस है फाइल के बीच में वो रिमूव कर दें, यानी रीनेम करके उन फाइल के जो नेम्स हैं उनको सटा दें। ठीक है, तो कंट्रोल एल्ट और वी के साथ मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट होने के बाद आपको इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करना है, आपकी फाइल ऐड हो जाएगी जैसे कि मेरी ऑलरेडी ऐड है। और यहाँ पर अगर एरर्स नहीं है तो ये फाइल वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, इस फाइल का यही यूज़ है। अगर फाइल पसंद आई हो तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं अपनी मेल आईडी मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देकर, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।